नमस्ते क्रिएटर्स, आज हम टाइटल्स और थंबनेल्स के बारे में बात करेंगे। जब व्यूअर्स यूट्यूब पर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले यही दो चीज़ें दिखती है। थंबनेल आपके वीडियो के बिलबोर्ड की तरह होते हैं, वे आपके वीडियो की कहानी पेश करते हैं, उत्सुकता बढ़ाते हैं और वीडियो की झलक दिखाते हैं। इतना ही नहीं, आपके वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या में बढ़ावा भी होते हैं। हम आपको बताएंगे कि थंबनेल डिज़ाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम आपको टाइटल लिखने के लिए कुछ टिप्स भी देंगे और यह भी बताएंगे कि इन दोनों की परफॉर्मेंस देखने के लिए एनालिटिक्स का इस्तेमाल कैसे करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थंबनेल्स के बारे में बात करते हैं। थंबनेल डिज़ाइन करने से पहले यह डिसाइड करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपको अपने चैनल के मेंबर्स के लिए वीडियो बनाना है तो आपको थंबनेल में ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जिन्हें वे पहचानते हो, जैसे अपनी या अपने पेट्स की फ़ोटो। अगर आपको ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंचना है तो ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिन्हें सभी लोग पहचानते हो। इसके बाद खुद से पूछें, आपके वीडियो में ऑडियंस के लिए क्या खास है, वह खासियत थंबनेल में कैसे दिखेगी और यह थंबनेल वीडियो देखने के लिए व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा। थंबनेल को एक्यूरेट रखें। यह बहुत ज़रूरी है कि आपके थंबनेल से वीडियो के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। इससे आपका टोटल वॉच टाइम बढ़ सकता है। गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले या कन्फ्यूज करने वाले थंबनेल की वजह से वॉच टाइम कम हो सकता है, क्योंकि जब व्यूअर्स को पता चलेगा कि थंबनेल और वीडियो डिफरेंट है तो वे वीडियो देखना बंद कर देंगे। व्यूअर्स को इमोशनली जोड़ें। यह सोचें कि अपने थंबनेल में किसी स्टोरी या इमोशन को कैसे दिखाया जाए। जैसे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थंबनेल में किसी ऐसे मोमेंट को शामिल करें जिसमें कुछ नया हुआ हो, या कोई ऐसा मोमेंट जिसमें कोई एक्साइटमेंट वाली बात हो। शूट के दौरान चेहरों या प्रॉप्स की अलग अलग फ़ोटो लें। इसका फ़ायदा यह होगा कि आपके पास थंबनेल के लिए ऑप्शंस होंगे। आखिर में हमारे हेल्थ सेंटर पर जाकर थंबनेल से जुड़ी पॉलिसीज भी पढ़ें। इससे आपको यह कंफर्म करने में मदद मिलेगी कि कहीं आपका थंबनेल हमारी कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। यह तो हुई थंबनेल की प्लानिंग की बातें। अब हम आपको थंबनेल के डिज़ाइन के बारे में कुछ टिप्स देंगे ताकि आप अपने आइडियाज़ पर काम कर सकें। ऐसा डिज़ाइन बनाएं जो छोटी और बड़ी हर स्क्रीन पर अच्छे से दिखे। बहुत से लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, इसलिए ऐसा थंबनेल बनाएं जो छोटी स्क्रीन पर भी अच्छा लगे और आसानी से पढ़ा भी जा सके। हमारी एडवाइस है कि आप 1280x720 पिक्सल्स यानी 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला थंबनेल बनाएं और फिर उसे .jpg, .gif, .ppm या फिर .png फॉर्मेट में सेव करें। रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल करें। रूल ऑफ थर्ड्स विजुअल डिज़ाइन की एक गाइडलाइन है। इसके मुताबिक अगर इमेज को 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया जाए तो मेन सब्जेक्ट या एलिमेंट वहाँ होना चाहिए जहाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट होती है। इससे थंबनेल में दिखने वाली चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। डिज़ाइन में बहुत सारे ज़्यादा कलर्स और जानकारी यूज़ ना करें। अलग अलग कलर्स और कॉम्पोजिशन यूज़ करने से थंबनेल इंटरेस्टिंग तो लग सकता है, लेकिन इनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने पर थंबनेल ख़राब भी लग सकता है। ज़्यादा कलर्स या एलिमेंट्स यूज़ करते समय बैलेंस बनाने की कोशिश करें। समय के साथ व्यूअर्स का पसंद बदलता रहता है, इसलिए अपने थंबनेल के साथ साथ नए एक्सपेरिमेंट करते रहे। हो सके तो ऐसे पुराने थंबनेल भी अपडेट कर दे जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इससे आपके वीडियो को नए व्यूअर्स मिल सकते हैं। अब पार करते हैं टाइटल्स की। थंबनेल की तरह टाइटल से भी दर्शकों को अंदाज़ा मिलता है कि उन्हें आपके वीडियो देखना चाहिए या नहीं। टाइटल्स लिखते समय अपने टाइटल को 2 कैटेगरीज के हिसाब से प्लान करें। पहली, सर्चेबल टाइटल्स, यानी ऐसे टाइटल्स जो सर्च करने पर आसानी से मिल जाए, और दूसरी, अट्रैक्टिव या दिलचस्प टाइटल्स। सर्चेबल टाइटल्स से यह साफ साफ पता चलता है कि वीडियो किस बारे में है, जैसे टाई कैसे बांधते हैं। इन टाइटल्स का टॉपिक ऐसा होता है जिसमें व्यूअर्स का पहले से ही इंटरेस्ट होता है।
साथ ही ये उन लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो किसी खास टॉपिक पर वीडियो सर्च कर रहे होते हैं। दूसरी ओर दिलचस्प टाइटल्स में सर्चेबल कीवर्ड्स की बजाय इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि लोगों के मन में ज्यादा से ज्यादा उत्सुकता बढ़े। अक्सर इस टाइप के टाइटल्स और उनसे जुड़े थंबनेल ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे कि यह येलो नहीं है एक अट्रैक्टिव टाइटल हो सकता है। ऐसे टाइटल अक्सर उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो किसी खास टॉपिक से जुड़ा कंटेंट सर्च नहीं कर रहे होते। व्यूअर्स को दोनों तरह के टाइटल पसंद आ सकते हैं। यह आपको तय करना है कि आपके कंटेंट के हिसाब से कैसा टाइटल सही रहेगा। आप किसी भी टाइप का टाइटल चुनें, लेकिन उसे लिखते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। टाइटल्स एक्यूरेट हो। आपके टाइटल में वीडियो की सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर लोग आपका वीडियो देखना बंद कर सकते हैं और हो सकता है कि आपके वीडियोस यूट्यूब पर कम दिखे। टाइटल छोटा रखें। हो सकता है कि होम पेज और कई दूसरी जगहों पर व्यूअर्स को आपका टाइटल पूरा ना दिखे, इसलिए सबसे जरूरी वर्ड्स को टाइटल के स्टार्टिंग में रखें। ब्रांडिंग और एपिसोड नंबर जैसी चीजें लास्ट में रखें। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों या ऑल कैपिटल लेटर्स या इमोजी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हालांकि ये अच्छे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन्हें अपने टाइटल के किसी ज़रूरी पार्ट को हाईलाइट करने के लिए ही यूज़ करें। अब आपको टाइटल लिखने और थंबनेल डिज़ाइन करने के सही तरीके पता चल चुके हैं। आगे हम बताएंगे कि एनालिटिक्स के जरिए टाइटल और थंबनेल की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक की जा सकती है। हम यह भी बताएंगे कि इन्हें और बेहतर बनाने के लिए आपको एनालिटिक्स से आइडियाज कैसे मिल सकते हैं। पता लगाएं कि आपके टाइटल और थंबनेल लोगों को कितना पसंद आ रहे हैं। यह जानने के लिए देखें कि वीडियो अपलोड करने की शुरुआती 24 घंटों में CTR यानी क्लिक थ्रू रेट का क्या वॉच टाइम था, कितना रहा। इससे वीडियो की परफॉर्मेंस भी पता चलेगी। CTR से पता चलता है कि जिन व्यूअर्स ने आपके थंबनेल देखे उनमें से कितने लोगों ने आपका वीडियो भी देखा। वॉच टाइम से पता चलता है कि उन्होंने आपका वीडियो कितनी देर देखा है। सब्सक्रिप्शन फीड में CTR देखकर यह पता किया जा सकता है कि आपके सब्सक्राइबर्स ने वीडियो में कितना इंटरेस्ट दिखाया। कॉमन व्यूअर्स का इंटरेस्ट जानने के लिए होम, सजेस्टेड और सर्च से मिलने वाले CTR देखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स इनके जरिए ही नए वीडियो और चैनल पर पहुंचते हैं। ध्यान रखें कि जब वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है तो CTR कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके फैंस के कंपैरिजन में कॉमन व्यूअर्स आपके वीडियो पर यूजुअली कम क्लिक करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह देखना होता है कि आपके वीडियो की पूरी परफॉर्मेंस कैसी रही। इसलिए सिर्फ CTR ही नहीं बल्कि इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि व्यूअर्स वीडियो पर कितने देर तक बने रहे और वॉच टाइम कितना रहा। अगर CTR ज़्यादा है लेकिन लोगों के बने रहने का टाइम और वॉच टाइम कम है, तो हो सकता है कि आपके थंबनेल और टाइटल ने व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया लेकिन आपका कॉन्टेंट उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आया, कि लोगों को आपका थंबनेल और टाइटल वीडियो से अलग लगा हो। इसलिए सिर्फ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि वे आपके वीडियो को देखने के लिए रुकें। आपकी ऑडियंस को कैसे टाइटल्स और थंबनेल पसंद आ सकते हैं, इसका आइडिया लेने के लिए YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स में ऑडियंस टैब देखें। यहाँ आपको वे दूसरे वीडियो मिलेंगे जिन्हें आपकी ऑडियंस ने देखा है। रिसर्च टैब की मदद से यह एक्सप्लोर करें कि आपकी ऑडियंस YouTube पर क्या ढूंढ रही है। हमें उम्मीद है कि इन टिप्स से आपको अपने वीडियो के लिए बेहतरीन थंबनेल और टाइटल बनाने में मदद मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स देखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।